नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। वहीं राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि शाहरुख नाम के फरार व्यक्ति को दिल्ली पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। और बड़ा खुलासा होने की भी संभावना जताई जा रही है कि जिस प्रकार राजधानी दिल्ली के अंदर अभी 5 दिन पहले वॉयलेंस हुआ था, उसके अंदर शाहरुख का नाम और ताहिर हुसैन का नाम सबसे आगे चल रहा था। और शाहरुख को लगातार साइबर टीमें भी ढूंढ रही थी और आखिरकार पोस्टर बॉय भी अब पकड़ा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। जिसके बाद में दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि खुलासे और पूछताछ के अंदर बड़ा खुलासा भी हो सकता है पोस्टर बॉय के नाम से। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली के अंदर पुलिस ने पूरी तरह से शांति भी कर ली है और दिल्ली पुलिस की एक मुहिम चला रही है जो हर घर जाकर सीए और एनपीआर और एनआरसी के बारे में पूछताछ और उनकी राय भी ले रहे हैं। और शाहीन बाग के अंदर चल रहे लगातार 2 महीनों से जो प्रदर्शन चल रहा है उसके ऊपर भी उनकी राय जान रही है दिल्ली पुलिस। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम अरविंद केजरीवाल की बैठक के अंदर भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को शाबाशी भी दी और दिल्ली पुलिस की इस मुहिम के लिए अरविंद केजरीवाल ने शुभकामनाएं भी दी। वहीं दिल्ली पुलिस लगातार हर इलाके के अंदर हर घर जाकर बयानबाजी और उनके बयान भी ले रही है, जिसके अंदर एक घर से बड़ा महिला ने बयान ये भी दिया कि शाहीन बाग के अंदर जो प्रदर्शन हो रहा है उसके अंदर महिलाएं अपने आप नहीं जा रही है, उनके शौर उन्हें जबरदस्ती भी भेज रही है, जो वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। और दिल्ली पुलिस भी इससे महिला के समर्थन में उतरी हुई है कि जिस प्रकार से महिला कह रही है कि उनके शौहर उन्हें जबरदस्ती भेज रहे हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है शाहीन बाग के अंदर। क्योंकि अभी हाल ही में हुए वॉयलेंस के बाद में राजधानी दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ था और अब शाहीन बाग के अंदर 20% ही लोग दिखाई दे रहे हैं, 20% लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी 80% लोग अपने घरों की ओर लौट पड़े। वहीं दिल्ली के अंदर हुए इस प्रदर्शन के बाद में आम लोगों तक भी गुस्सा इसका छाया हुआ है और लगातार अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक भी हुई थी। बैठक के बाद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत भी हुई, जिसके बाद में अब अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से खास मुलाकात की और पीएम मोदी ने भी कहा कि दिल्ली के हालातों को जल्द से जल्द सरकार इस पर एक्शन ले। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी दिल्ली की सरकार को, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार को, कि आखिरकार राज्य सरकार ध्यान पूरी तरह से आकर्षित करे इन शाहीन बाग और एनपीआर और सीए को लेकर। वहीं जिस मुहिम के तहत शाहीन बाग के ऊपर और एनपीआर और सीए के मुद्दों को लेकर दिल्ली पुलिस पड़ताल कर रही है, उसके अंदर साफ तौर पर मुस्लिम महिलाओं का यही कहना सामने आ रहा है कि उन्हें जबरदस्ती भेजा जा रहा है, उनका कोई मकसद भी नहीं है। हालांकि कुछ एक महिलाओं के बयान ये भी सामने आए कि वो एनआरसी एनपीए और सीए को लागू भी करना चाह रही है लेकिन उनके घर वाले नहीं मानते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि राजधानी दिल्ली और अनेक राज्यों के अंदर विपक्ष की पार्टियां और अफवाहों के चलते एनपीआर और सीए के विरोध में जिस प्रकार से लोग उतरे हुए हैं, उन्हें अभी तक पूरा पता भी नहीं है कि सीए और एनपीआर क्या है इसका मतलब। क्योंकि अब महाराष्ट्र राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे भी एनपीआर और सीए के समर्थन में आ चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह और सोनिया गांधी और पीएम मोदी के साथ में मुलाकात के बाद बड़ी खबरें भी सामने आती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र राज्य से कि महाराष्ट्र में भी एनपीआर और सीए को लागू किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन से बनी शिवसेना की सरकार के अंदर एनसीपी और कांग्रेस के दोनों ही मतभेद हो चुके हैं, आमने सामने भी हो चुके हैं दिग्गज नेता। लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के अंदर मुद्दे को लेकर अब जल्द ही खत्म होने की कगार पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी धारा 144 लागू कर दी थी, जिसके बाद में शाहीन बाग के अंदर काफी ज्यादा शांति का माहौल भी बना हुआ है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल भी लगातार बैठकें भी ले रहे हैं कि जल्द से जल्द इस शाहीन बाग के मुद्दे को सुलझाया जाए, क्योंकि लगातार आज सीए और एनपीआर बिल
राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पास होने के बाद शाहीन बाग के अंदर और अनेक राज्यों के अंदर भी इसे बाइकॉट इसे और इसे लागू नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था, जो लगातार आज ढाई महीनों से ऊपर का समय हो चुका है और अब जल्दी मार्च के इसी सप्ताह के अंदर खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि 20-20 लोग दिखाई दे रहे हैं शाहीन बाग के अंदर। वहीं कई राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री भी अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, सीए और एनपीआर को लागू करने की वार्तालाप भी कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस मुहिम और पड़ताल के अंदर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि राजधानी दिल्ली के अंदर लोग अभी भी चाह रहे हैं कि सीए और एनपीआर को लागू किया जाए राजधानी दिल्ली के अंदर, लेकिन कुछ एक गलत अफवाह और गलत भ्रांतियों के चलते उन्हें भड़काने का जो काम कर रही है उनके ऊपर सरकार भी एक्शन लेती हुई नजर आ सकती है जल्द। लेकिन दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान सामने आता हुआ नजर आ रहा है कि पोस्टर बॉय के पकड़े जाने के बाद हुसैन ताहिर और सिसोदिया और केजरीवाल की लगातार बयानबाजी भी हो रही है और हुसैन ताहिर और शाहरुख के कनेक्शन को भी चेकिंग की जा रही है कि आखिर उनका कनेक्शन कहाँ तक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार इसकी पड़ताल भी कर रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी आदेश हो चुका है दिल्ली पुलिस को कि वो अपने स्टाइल से ही पूछताछ और पड़ताल करें और सच की हकीकत की बात सामने लेकर आए। दूसरी तरफ ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से भी निकाले जा चुके हैं, तो उनके ऊपर भी लगातार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी बयानबाजी और अरविंद केजरीवाल भी बयानबाजी दे रहे हैं और ताहिर हुसैन यूपी राज्य से मजदूर के रूप में राजधानी दिल्ली आए थे और यहाँ पर बड़े बिजनेसमैन बनने के बाद आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और वर्तमान में पार्षद भी बन गए थे, जिसके बाद में अभी भी ताहिर हुसैन को फरारी चल रही है और अभी भी वो पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार ढूंढ रही है और पोस्टर बॉय के पकड़े जाने के बाद दिल्ली पुलिस को बड़ा खुलासा करने की भी संभावना जताई जा रही है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली के अंदर हो क्या रहा था, क्योंकि जिस प्रकार हाईकोर्ट के लताड़े जाने के बाद शाहीन बाग के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी शाहीन बाग के अंदर ही, उसी समय राजधानी दिल्ली के अंदर दूसरी तरफ खिचड़ी पक रही थी वॉयलेंस की, जिसके बाद में राजधानी दिल्ली के अंदर अब देखा ये जाएगा कि गृह मंत्री अमित शाह और सीएम अरविंद केजरीवाल क्या एक्शन ले पाते हैं दिल्ली के ऊपर, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर अब काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सीए और एनपीआर को लेकर पंजाब सरकार का भी रुख धीरे धीरे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और खबर ये भी सामने आ रही है कि पंजाब हरियाणा और यूपी से लगाकर महाराष्ट्र राज्य केरल पश्चिम बंगाल के अंदर भी एनपीआर और सीए को लागू करने की वार्ता